फॉर्म इन द कंकेव मिरर बेटे ध्यान दीजिए सारे अच्छा लेंस वाला मैंने सोचा मिरर वाला कह रहे हो गया समझो बेटे नो प्रॉब्लम आइए देखें बेटा कंकेव लेंस कंसेंट्रेट नाउ बेटा यू ऑल नो दैट बेटा हमारे पुत्र ध्यान दो इधर एक वीक में वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं एंड वी कांट इवन थिंक ऑफ वेस्टिंग अ सिंगल मिनट बेटा सो प्लीज बी वेरी मच फोकस्ड बेटा सो दैट कि आप अपना टाइमली सारा काम अच्छे से कंप्लीट कर जाएं और हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि इन द एंड आपके सबके बहुत ज्यादा अच्छे मैं आपके अच्छे नहीं बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए दिस शुड बी अवर ऑब्जेक्टिव बेटा सो अकॉर्डिंगली आप जिस भी तरीके से आपको बेटे अपनी जो थ्योरी पार्ट है या अदरवाइज स्टडी है मैनेज करना चाहिए आपका ऑप्टिकल सेंटर फोकस ट्वाइस एफ ऑप्टिकल सेंटर के बाद फोकस सेंट ट्वाइस एफ बेटा जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है नो प्रॉब्लम रहने क्यों देना किया ही हुआ है आपने वो तो फिर रहने देना थोड़ी हुआ वो आप ये बोलो ना ऑलरेडी है रहने देना मत कहो आप ये आपके पास इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है दो बेटा रेज पैरेलल टू द डियर चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं बिकॉज आपका लेंस डाइवर्जिंग नेचर का है यस बेटा ध्यान दीजिएगा ऐसे जा रही है रेज और आपको अपीयर हो रहा है कि ये दोनों मीट कर रही हैं एट द पॉइंट फोकस और अगर ये एफ पे मीट कर रही हैं अपीयर हो रही हैं कि मीट कर रही हैं इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल इरेक्ट बिल्कुल ठीक और एट द फोकस राइट बेटा कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही हाँ जी 2F बेटे आपका फोकल लेंथ के कंपैरेटिवली डबल डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर जनरली इसको नहीं कहते ट्वाइस ऑफ F कह देते हैं राइट सेकंड केस हमने डियर चिल्ड्रन डिस्कस किया था जब आपका ऑब्जेक्ट नियर टू द लेंस हो जाए देन व्हाट विल बी द सिचुएशन ये आपका अगेन बेटा कंकेव लेंस का बेटे सबसे बड़ा टेस्ट टच करने पे मिडल में से थिन एजेस पे थिक हो जाया करता है इस लाइन को आप क्या बोला करते हो और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर यस बहुत नाइस ओके जी ओके ओके आपने इस तरफ कहीं पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर ले हाँ जी बेटे बिल्कुल जी बिल्कुल वो ना कल का दिया हुआ है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी लिख लीजिए यहां पे लिख लीजिए ऑब्जेक्ट नियर टू द लेंस ऑल राइट यहां पे आपने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया नाम हम जनरली ऑब्जेक्ट का ए भी रख रहे हैं राइट एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द ऐसे चला जाएगा ये राइट सेकंड रे कौन सा चूज करेंगे ये चला गया ऐसे रे यहां पे दोनों मिल रहे लगते हैं ए डैश बी डैश कह दें
रेज असल में नहीं मिल रही हैं, बिकॉज दे अपीयर टू मीट इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल, बहुत अच्छे, और थम्स अप फॉर यू ऑन द सेम साइट। अ लिटिल बिट डिस्टर्बेंस इज देयर बेटा, समथिंग रॉन्ग और राइट? यस आप, हाँ जी, हाँ जी, मेरे से पूछो, क्या पूछना है, उससे क्यों पूछते हो आप? इधर आइए आगे, कम फास्ट, दो सीट्स आगे हैं, किसको नहीं दिख रहा, आ जाइए आगे, फटाफट आ जाइए। बेटे जिसको नहीं दिख रहा, आगे दो सीट्स खाली है, कंसेक्टिवली खाली है। शरारती, सारे शरारती हो गए। चलिए आगे, इसके बाद बच्चों काम की तरफ ध्यान दो। सारे स्टूडेंट्स, हमने लेंस फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिलेशनशिप है, इसके बारे में बात करें, और मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें। इस लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन, डियर चिल्ड्रन ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है। लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, बट इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हमें जरूरत पड़ती रहती है। बड़ा सौखा सा काम है, मैं आपको करवा देता हूँ। आपको एक बार आप कर लोगे तो आपको वैसे ही नहीं भूलेगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप उसको कर लेना, अब जब आप कर लोगे तो आपको वैसे ही भूलने वाला ही नहीं है वो। सो डियर स्टूडेंट्स, आप हेडिंग लिख लो पुत्र, लेंस फॉर्मूला। बेटा लेंस फॉर्मूला क्या है और कैसे हम बेटा डिराइव करेंगे, आइए कंसंट्रेट करें। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बेटे, जो लेंस फॉर्मूला है ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ को रिलेट करके बता देता है, या आप ऐसे कह लीजिए लेंस फॉर्मूला गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यू लिखा करते हो, इमेज डिस्टेंस को वी लिखते हो, एंड फोकल लेंथ को आप एफ लिखते हो, है ना बेटा? और आपका जो लेंस फॉर्मूला है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, डेरिवेशन एज सच डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, बट आप लोग इसको किया करते हो इसलिए मैं करवा रहा हूं, काम आएगी आपके न्यूमेरिकल्स में, काफी हेल्पफुल होता है बेटा, दैट्स वाई वी आर स्पेयरिंग फ्यू मिनट्स फॉर दिस पार्ट बेटा। यस, सब साथ में करवाएंगे, चिंता क्यों करते हो आप? ये इमेजिन कर लीजिए, आपके पास एक बेटा कन्वेक्स लेंस है, और आपने कन्वेक्स लेंस जो है आपका, समथिंग रॉन्ग और राइट? देन बेटे अगर किसी बच्चे को कोई बोर्ड पे नहीं दिख रहा क्लियरली, आगे आ जाइए। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर एफ, 2f, देन बेटा दिस इज एफ बेटे, एंड हेयर इज 2f। हमने अपना ऑब्जेक्ट बेटे, साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, अपना ऑब्जेक्ट बेटे यहीं इन दोनों के मिडल में प्लेस किया है। नाम आपने अपने ऑब्जेक्ट का बच्चों ए बी रखा। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बेटे जा रही है, ये डियर चिल्ड्रन फोकस में से पास कर जाएगी, और हमने इसको ड्रॉ किया ऐसे, राइट? एक और रे हम जनरली प्लॉट किया करते हैं जो आपके ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर जाया करता है, एंड डियर चिल्ड्रन लेट इट गो लाइक दिस ओनली। तो जाने दीजिए, इसको जा रही है, और
इस पॉइंट पे मीट कर गए हैं दोनों रेस, असल में मीट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, बियॉन्ड टू एफ। इसका नाम आप जनरली ए डैश एंड बी डैश लिया करते हो, हमने रख दिया। बेटे आप डायग्राम बना लो साथ साथ, बाद में दिक्कत आएगी, क्या फायदा होगा फिर उसका। है बी पॉइंट से आपने एक छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ पे ऐसे, राइट। डायग्राम बड़ा बनाया करो बेटा, फिर गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। पेपर में छोटा कर लेना, अभी बड़ा बना लीजिए, ठीक है। अब बेटे देखो, आपका जो ये रे डायग्राम बना है, मुझे जरा देख के बताइए, आपको ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ दोनों दिख रही हैं? ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, राइट हैं दोनों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, बराबर होंगे? ये राइट एंगल है, बराबर होंगे? दो दो एंगल अगर बराबर हो जाएं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? अगर ऐसा है तो कैन यू राइट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ओ बी डैश, ऐसे लिखा जा सकता है? देन बेटा इसके बाद थोड़ा सा फोकस करिएगा, ट्रायंगल डी ओ एफ ये वाला, ये एंड बेटे ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, आप इस इन दोनों ट्रायंगल्स को देख पा रहे हो पुत्र? क्लियर? ये दोनों ट्रायंगल्स में एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल है, सो इज दिस। अगर डियर चिल्ड्रन ट्रायंगल्स के दो दो एंगल्स बराबर होंगे तो तीसरा, बिकॉज 180 इनका सम होता है, तो दैट इज वाई आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और हम बेटे इसमें लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन डी ओ, इट इज बी डैश ओ सॉरी बी डैश एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ, लिख दें कि एफ ओ लिखें? बहुत बढ़िया आप, यस। डी ओ किसके बराबर है? डी ओ डिस्टेंस किसके बराबर है? पक्का ए बी के बराबर, वेरी राइट, थैंक यू, बैठ जाइए। तो क्या हम यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को फोकस करिएगा ध्यान से, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया तो राइट हैंड साइड कर देते हैं फिर हम, है ना? So we will say that O B dash O B B dash F and O F। अब ये बच्चा साइन की बात कह रहा था, वो भी सुनिए। मिरर्स के केस में आपने डिटेल में लिखे भी थे साइन कन्वेंशंस, सुनिएगा जरा ध्यान से। लेंजेज के केस में बेटा माइनर सा चेंज है, बाकी कोई मेजर चेंज है नहीं। पहली बात ये है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वहां पे पोल था, यहां से डिस्टेंसेज मेजर करते हैं, राइट। दूसरी बात, डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट पॉजिटिव अपोजिट नेगेटिव, नो चेंज, ये वही है, परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नो चेंज, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मेड यू राइट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट। अब प्रभगुन, ये बी डैश एफ को मैं चेंज करके लिखना चाहता हूं, कैसे लिखूं? बी डैश एफ बी
हाँ हाँ बोलो, आगे भी बोलो। बैठिए। गुड। अर्शीन, यस, बी डैश एफ। बैठिए। आपका नाम मुझे ओखा लगता है, सॉरी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उठ जाइए। यस, इसको क्या लिखें? पक्का? वेरी राइट, बैठ जाइए। सारे बच्चे ठीक बोल रहे हो आप। इतना डिस्टेंस आपका जो है, इसको इतना माइनस इतना करके लिखेंगे और क्या लिखेंगे, है ना बेटा? सो आप लिखोगे ओ बी डैश अपॉन ओ बी, लिखवाएंगे आप ओ बी डैश माइनस ओ एफ डिवाइडेड बाई, कर दें ऐसे। कोई बात आपको ऐसा ना हो कि ना पता चली हो। एवरीथिंग क्लियर? अब थोड़ा और देखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है और ये आपका इमेज डिस्टेंस कहलाता है, एंड डियर चिल्ड्रन ये आपका फोकल लेंथ कहलाता है। ऑल राइट, ओबी डैश को क्या लिखूं फिर मैं ना? ओबी डैश वी, आप ओबी को क्या लिखूं? हां जी आप, अरे क्या कह रहे हो, ओबी को क्या लिखूं मैं? बैठिए बेटा। डियर चिल्ड्रन, साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखिए, शुड बी माइनस यू। आप इधर आ रहे हो, लाइट इधर जा रही है, राइट? क्लियर? हाँ, हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम साइन कन्वेंशन की ही बात कर रहे हैं। देन पुत्र, ओ बी डैश अगेन आपका वी के बराबर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओ एफ आपका सिंपल फोकल लेंथ है, पॉजिटिव ही रहेगा, वी आर मूविंग इन द सेम वे, अगेन एफ ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉल एफ। यस, स्मॉल नहीं लग रहा, स्मॉल ही है। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, वो पूछ सकती है, उसका हक है पूछने का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो वी विल हैव बी इनटू एफ इज माइनस यू वी प्लस यू इनटू एफ, कर लें, राइट? थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज करने जा रहा हूं, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, ले जाएं, ले भी आए। तो वी विल हैव यू इनटू वी, इट इज यू एफ, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ऐसा है पुत्र जी? लेट अस डिवाइड थ्रू आउट बाई यू वी एफ, डिवाइड बाई यू वी एफ। बिल्कुल जी, पूरा ऊपर लिख देंगे, थोड़ा क्यों लिखना? देर इज माई डस्टर। यस, सो हमारे पास बच्चों ये बन गया यू वी अपॉन यू वी एफ, यू एफ अपॉन यू वी एफ, बी एफ अपॉन, ऐसा है ना बेटा? यू वी से यू वी, यू एफ से यू एफ, बी एफ से बी एफ, गेटिंग कैंसल्ड। जो बचा है उसको लिख लो, दिस इज वन बाई एफ, वन बाई बी माइनस वन बाई यू, ये आपके पास आपका कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला आपको मिल गया, वहां पे प्लस होता है बहुत। इनमें अगर आप देखो साइंस के अकॉर्डिंगली काफी मेजर फर्क है। सो कई बार बेटे लिसन, जैसे इस बच्चे ने पूछा है, कई बार हम जब कई बार टाइम की शॉर्टेज में हम गलती से साइन बदल भी देते हैं। अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, और वो तभी रहता है अगर आप बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंगली चल रहे हो। व्हेन यू आर अंडर प्रेशर फ्रॉम द साइड ऑफ द टाइम, तब गलती के चांसेस अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक? और ये सब
अवॉइड तभी किया जा सकता है अगर आपका प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग है बिहाइंड द कॉन्टेंट्स बेटा, और आपने रियली टाइम डिवोट कर रखा है स्टडीज पे, फिर आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, राइट। छोटी सी टर्म इसी के साथ रिलेटेड है बेटे, मैग्निफिकेशन। आप लोगों ने मिरर में भी किया था, यहाँ पे भी कंप्लीट करेंगे। मैग्निफिकेशन आपका होता है रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। सो लिख लीजिए, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द, क्या कहते हो, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, वंस अगेन आपने वहां पे ऑब्जेक्ट को H1 बोला था मिरर्स में, इमेज को H2 बोला होगा फिर डेफिनेटली। अभी अभी प्रेजेंटली आपने ये दो ट्रायंगल्स बड़ी वाली, इनको कॉन्ग्रुएंट कहा था, कौन कौन सी थी ये? आपने कहा था, ये कहा था है ना, इक्वेशन नंबर 1 चेक करो, यही है ना बेटा। अब आइए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, जरा देख के बताएंगे ए डैश बी डैश किसके बराबर है। अरे नहीं, पक्का सोच लिया? अरे बच्चों, -H2 होगा ये, नीचे को है, भूल जाते हैं आप बीच बीच में। ए बी प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, प्लस के प्लस, ओके ठीक है। ओ बी डैश बी के माइनस बी, माइनस बी के प्लस बी, माइनस के माइनस, प्लस के प्लस, ओके इट्स बी। बिकॉज आप जब मेजर कर रहे हो तो आप बेटे लाइट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, दैट्स व्हाई पॉजिटिव, राइट। ओ बी, आप ओ बी पक्का देख लो, ठीक है ना ये बच्चा। तो ये साइन आपका बेटे कैंसिल आउट हो गया जी, आपके पास बच गया H2 upon H1 इज इक्वल टू, इसको क्या बोला था, मैग्निफिकेशन, इट इज बी बाई यू। प्रगुन, हाउ दिस मैग्निफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द केस ऑफ द मिरर्स। एक मिनट भाई, देखो आप सारा काम खराब कर देते हैं, वो बड़ा अच्छा जवाब देने वाली थी। ओके वेल ठीक है, दोनों में बेटे साइन का फर्क है और ये आपने अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है बेटा। कौन सी साइड नहीं विजिबल भाई, ये अब विजिबल हो गया देखो। सो विद दिस बेटे आपका मैग्निफिकेशन का तो कंसेप्ट खत्म है। आपको याद होगा मिरर में मैंने आपको दो एडिशनल फॉर्मूलाज करवाए थे, तो लेंस में भी करवाएंगे है ना। आइए करके देखें, हम लेंस में मैग्निफिकेशन के लिए एक मैं करूंगा एक आप करोगे बेटा, राइट। आप जानते हो आपका लेंस फॉर्मूला 1/ हेडिंग लिखो, एन अदर फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन, हेडिंग लिख लीजिए, एन अदर फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ द लेंसेज। बोल तो रहा हूं, 1/v - 1/u इज 1/f था। इसको डियर चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा, मैं वी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर दूं, ये देखो फिर आपके पास क्या बन गया, ये देखिए ये आ गई चीज,
ये किसके बराबर है? सी हियर, सो मैग्निफिकेशन आपका एफ माइनस बी अपॉन एफ, इट इज इन द केस ऑफ द लेंसेज, राइट। यू वाला आप निकालो, फटाफट निकालो, ऐसे ही यू से मल्टीप्लाई करो, उल्टा करो, बी बाई यू निकालो एंड पुट करो, बी क्विक। यही फॉर्मूला लिख के यू से मल्टीप्लाई करिए, बी बाई यू निकालिए, उल्टा पुल्टा करके जो भी करना फटाफट करिए। हरी आप, और लिखवाइए क्या बना रिजल्ट आपका। हाँ क्या? हाँ जी, हाँ जी बेटे, आप लीजिए 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करिए, लेकिन करिए। चेक करिए, हम गलत तो नहीं इसमें किया। ऑल राइट, ठीक है पुत्र जी। सो ये बेटा आपका मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू, और दूसरे वाला इन टर्म्स ऑफ इट। हाँ जी, हाँ जी पुत्र, बिल्कुल लीजिए, करिए, नो प्रॉब्लम, राइट। इसके बाद एक बड़ा छोटा सा टर्म है, पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, आइए फोकस करें। छोटी छोटी चीजें, फिजिक्स बहुत आसान और आप लोग बहुत मेहनती हैं। ओके वेल, लेट अस हैव इट, पावर ऑफ ए लेंस। हाँ जी, हाँ जी बेटा, पावर ऑफ ए लेंस बेटे जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इट इज द अबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट। बेटा कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, दैट इज रिलेटेड टू द पावर। सो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द अबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, एंड बेटा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पावर जो है पी से डिनोट करोगे, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, प्रोवाइडेड एफ आपका मीटर्स में होना चाहिए। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में है, इट विल बी 100 बाई एफ, इफ एफ इज इन सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। अगर फोकल लेंथ आपका मीटर्स में है, पावर 1 बाई एफ होगा। अगर ज्यादा सेंटीमीटर्स में आपको दिया होता है, मीटर्स में कम ही होता है, ठीक है, और अगर सेंटीमीटर्स में होगा तो इट विल बी 100 बाई एफ। यूनिट ऑफ द पावर इन एसआई सिस्टम इज डायोप्टर, इट इज मेजर्ड इन डायोप्टर, डायोप्टर, दिस इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इन SI। हाँ जी, एक ही यूनिट है इसका डायोप्टर, वो दूसरे वाला हम बात ही नहीं करते उसकी। हाँ जी पुत्र, कैपिटल डी से बेटा, कैपिटल डी से आप इसको डिनोट करोगे। 1 मिनट आपका और लूंगा मैं, आपके पास अगर लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो तो कॉम्बिनेशन की पावर या फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं देखें करके, हेडिंग लिख लीजिए, लेंस कॉम्बिनेशन, लेंस कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन, बड़ा आसान सा काम, छोटा सा काम, फिजिक्स बहुत आसान। एक लेंस आपका ये आ गया, एक लेंस आपने इसके साथ बच्चों ये रख दिया, राइट। इसकी पावर P1, इसकी पावर P2 कह दी हमने, इसकी फोकल लेंथ F1, इसकी फोकल लेंथ F2 हमने कह दी। जितना काम ये दोनों लेंसेज अलग अलग कर रहे हैं, इनको जब आप कांटेक्ट में रख रहे हो, अगर वही काम आपका ये जो डॉटेड लेंस आप देख रहे हो बन रहा है, ये अकेला ही लेंस वो काम कर दे, इसकी पावर कैपिटल P, बड़े वाली P, इसकी फोकल लेंथ बड़े वाली F कर दे। हमेशा याद रखिए, पावर्स आर ऑलवेज एडेड अप। साइन साथ में लेके चले जाते हैं हम। कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है, कंकेव की नेगेटिव होती है। साइन साथ ही रखते हैं लेकिन पावर्स को ऐड कर देंगे। तो आपके कॉम्बिनेशन की पावर कितनी बन गई डियर चिल्ड्रन? P1 + P2 लिख दो। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आपकी एफ है। अरे ऐसे किया जा सकता है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? राइट बेटा, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन है। अच्छा बेटे एक मिनट बैठ जाओ यार, ऐसे मत किया करो आप। अगर एक कनकेव दूजा कन्वेक्स हो जाए, ये कनकेव और एक कन्वेक्स, ऐसे कर दिया, इसकी पावर P1, P2, कॉम्बिनेशन की पावर P, फोकल लेंथ F1, F2 एंड F। तरीका सेम, चीज सेम, पावर आपकी अब P1 + -P2 करना पड़ेगा, इसकी पावर नेगेटिव होती है ना, सो आपके पास P आ जाएगा, P1 - P2 हो जाएगा। सिर्फ यहां पे साइन बदल देना, बाकी कुछ भी नहीं बदलना। और आपके पास फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की कितनी बनेगी? F1 F2 / बताइए मुझे, कोई बात मुश्किल है इसमें? कोई बात ही नहीं ऐसी, देखो है। हाँ जी, बहुत सौखी है। थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू ऑल।